जी मेरा नाम जूही कुमारी है। मैं दो तीन साल से लखनऊ में रह रही हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी और उससे भी पहले मैं हिमाचल में रहती थी। वहीं से वही मैं तीन चार साल से ना थिएटर ही करती आ रही हूँ। उसके बाद मैं चंद्रभास सर के साथ प्ले करती हूँ और अभी जाम तारा वेब सीरीज़ में मैंने कैरेक्टर किया था। उससे पहले भोजपुरी फिल्म की मैं मतलब दो तीन पिक्चर किया है। रही बात ये मैं कलाकार हूँ तो मतलब यही है ना कि लॉकडाउन में जो थिएटर वाले लोग होते हैं उनको बहुत दिक्कत हो गया था। फिल्म वाले के पास तो अपना फिल्म करके पैसे वैसे तो इकट्ठा कर लिए थे लेकिन थिएटर वाले कितना कर सकते हैं, बेसिकली उनको मिलता भी नहीं इतना, बस वो सीखने के लिए है। तो उसी आधार पर ये फिल्म है कि एक रंगमंच को कितना कुछ झेलना पड़ा है, कैसे कैसे करना पड़ा है। और हम ये चाहेंगे ना कि जितने भी रंगमंच जो है तो प्लीज़ वो लोग प्ले देखने आए और टिकट शो करें ताकि जो रंगमंच में जो लोग हैं जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी ना मतलब कुछ मिल जाए, उनको कन्वेंस मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कन्वेंस भी निकालना जो कलाकार है रंगमंच के। तो यही है। और ये जो हमारी फिल्म है वो समर इंटरटेनमेंट पे रिलीज़ हो गई है तो प्लीज़ आप सब लोग देखिएगा और कमेंट भी करिएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। मैं यही कहूँगी ना कि जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरे फ्रेंड्स हैं ना वो आप सब लोग प्ले देखने आइए और टिकट शो टिकट लेकर आइए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि अगर आप हमारे दोस्त हैं ना तो क्या आप हमारे लिए 100 रुपये 200 रुपये की टिकट नहीं खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए है कि आप लोग आइए, हम लोग को अच्छा लगेगा देखने में भी। और एक तरफ से ये आप लोग का सपोर्ट हुआ कि हम लोग और आगे जाएँ। इन दिनों बस यही सब है। अभी 30 तारीख को हमारा प्ले होने वाला है लाला हरदौल पे। ये बुंदेलखंड का स्टोरी है, बुंदेलखंड के ये राजा हैं तो उसी के ऊपर 30 अक्टूबर को हमारा प्ले होने वाला है। मैं वो जो लाला हरदौल जी हैं उनकी बहन के कैरेक्टर निभाऊंगी। वो उनकी बहन का नाम है कुंजा। मेन चंद्रभास सर जी हैं जो लाला हरदौल जी के बड़े भाई हैं, उनका नाम है झुझार सिंह। हाँ, इसमें ना कोई मेन नहीं है, कोई ये नहीं है, सब एक अपना अपना कैरेक्टर है। जैसे राजा का भी इम्पोर्टेंट है, लाला हरदौल का भी इम्पोर्टेंट है, उसकी बहन भी है, झुझार सिंह की पत्नी है, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट। इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं ये नहीं कह सकते कि वो लीड है, सब अपने आप में एक है। थैंक यू सो मच।